हिमाचल प्रदेश स्थित भदौरिया तथा माजरा में लगातार बढ़ रहे चिट्टे के कारोबार के बाद हिमाचल तथा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर रेड की है। हालांकि पुलिस की 2 घंटे तक हुई रेड में कोई सफलता हासिल नहीं हुई, परंतु उन्होंने चिट्टे का कारोबार करने वाले मोस्ट वांटेड आरोपियों के परिवारजनों को चेताया है कि यदि उनकी ओर से ये धंधा तत्काल बंद नहीं किया गया तो इसका परिणाम बुरा होगा। पुलिस की ओर से रेड किए जाने की सूचना लोगों को पहले ही लग जाने के कारण चिट्टे का कारोबार करने वाले कई आरोपी पहले ही अपने घरों से बाहर ताला लगाकर फरार हो चुके थे। 5 बजे दोनों राज्यों की पुलिस ने पहले भदौरिया तथा बाद में माजरा गांव में रेड कर कई घरों की तलाशी ली। मालूम हुआ है कि विगत 1 वर्ष में इन एरिया में चिट्टे का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है कि पंजाब सहित हिमाचल तथा जम्मू से युवक आकर नशा ले जाते हैं। कई युवक तो चिट्टे के अधिक डोज के कारण मौत का ग्रास भी बन चुके हैं। रेड करने आए DSP सिटी सुखजिंदर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस पिछले कुछ समय से चुनाव में व्यस्त थी, इसका फायदा उठाते हुए चिट्टे के कारोबार ने एक बार पुनः सिर उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अब इनका सिर कुचलने के लिए प्रयासरत है तथा लगातार इस एरिया में रेड कर चिट्टा बेचने वालों की चेन को तोड़ा जाएगा। थोड़ा मुद्दा की है? नहीं, मुद्दा कोई नहीं है। तुम्हें पता ही है कि जिस तरह पहले साढ़े ज्वाइंट रेड चलते थे सीनियर अफसर के हुक्म के मुताबिक, हिदायतों के मुताबिक, उस कड़ी आप भी इतने हैं अपने DSP साहब नूरपुर लाल ने, अपने SHO साहब भी है, उन्होंने SHO साहब भी फोर्स न ता जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिहड़ा कि नौजवानों या नौजवान पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेलता, वो कोई किसी किस्म का भी बंदा ऐसे जैसे रह ना जाए तो जो वो उपर नकेल कसी जा सके, कड़ी तो कड़ी जी सख्त कार्रवाई की जा सके कानूनी उत्ते। नहीं, देखो एक गल तो हैगी है ना कि जिस जदों के आप इतने लगे है ज्वाइंट अपने रेड किए जा रहे, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा, ये उपर काफ़ी हद तक जी नकेल कसी जा चुकी है। बाकी जो कोई छिट फुट हैगा वह भी बख्शे नहीं जाऊगा, जो कोई काबू आता उत्थे सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने कानून के सिकंजे में लिया के बकायदा तौर पर उन्होंने प्रॉपर नपया जाऊगा, ठल पाई जाएगी। सर कोई गुप्त फंड? चलो ये तो साढ़े अपने महकमे रिलेटड है जो आप नहीं कर सकते डिस्कलोज, बाकी इस बारे तरीके DSP साहब दस देंगे।